नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को कहीं भी आने जाने और घूमने फिरने की इजाजत है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहां पर कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर भारतीय नहीं सिर्फ विदेशी ही जा सकते हैं, तो ये मानना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही पांच जगहों के बारे में जहां विदेशी तो जा सकते हैं मगर हम भारतीय नहीं। यूनो इन होटल बेंगलुरु। ये होटल 2012 में सिर्फ जापानी लोगों के लिए बनाया गया था जहां पर भारतीयों के ही जाने पर रोक थी। इसी कारण 2014 में इस होटल को बंद करवा दिया गया। फ्री कसोल कैफे। कसोल हिमाचल प्रदेश का ये कैफे इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि कैफे मालिक का कहना है कि यहां आने वाले ज्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं जो कि यहां दूसरे पर्यटकों से दुर्व्यवहार करते हैं। इस कैफे में ही एक भारतीय महिला के सर्व करने पर मना करने को लेकर विवाद भी हो चुका है, जबकि इसराइलियों का यहां स्वागत है। ब्रॉडलैंड लॉज चेन्नई। ये लॉज फिरंग के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग ठहर सकते हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट है। कॉर्नर्स ओनली बीच गोवा। गोवा बीच का शहर है, इसकी इसी खासियत के कारण लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के मालिकों का कहना है कि वे बिकिनी पहने विदेशी पर्यटकों को छेड़खानी से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, मतलब चाहे जो भी हो लेकिन बात एक ही है कि भारतीय यहाँ न आए। पुदुचेरी के कॉर्नर्स ओनली बीच। गोवा की तरह इस बीच पर भी विदेशियों का खुलकर स्वागत है लेकिन भारतीयों पर पाबंदी है।